एक बार 10 भिक्षु सत्य की खोज में निकले। उन्होंने बहुत पर्वतों, पहाड़ों, आश्रमों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई सत्य का अनुभव नहीं हुआ। आखिर में थक गए और अपने गांव वापस लौटने लगे। वर्षा के दिन थे, नदी बहुत उफान पर थी। उन्होंने नदी पार की। पार करने के बाद सोचा कि गिल्ले कोई खो तो नहीं गया। गिनती के बाद उन्हें प्रतीत हुआ एक आदमी खो गया है, एक भिक्षु शायद डूब गया है। वे रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। तभी एक यात्री उस रास्ते से गुजर रहा था दूसरे गांव तक जाने के लिए। उसे उनकी पीड़ा देखी नहीं गई और पूछा, क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा, हम 10 भिक्षु नदी में उतरे थे, एक साथी खो गया, उसके लिए हम रोते हैं। कैसे खोजें उसे? जैसे ही उस व्यक्ति ने नजर घुमाई, उसने देखा 10 ही हैं। वह हंसा और कहा, तुम 10 ही तो हो, व्यर्थ खोज मत करो, और अपने रास्ते चला गया। ये सुनकर उन्होंने फिर से गिनती की, शायद उनकी गिनती में भूल हो, लेकिन उन्होंने बहुत बार गिना, फिर भी वो 9 ही थे। तब उनमें से एक भिक्षु नदी के किनारे गया। उसने नदी में झांक कर देखा। एक चट्टान के पास पानी स्थिर था। उसे अपनी ही परछाई नीचे पानी में दिखाई पड़ी। वह चिल्लाया। उसने अपने मित्रों को कहा, आओ, जिसे हम खोजते हैं वह मौजूद है। 10वां साथी मिल गया, लेकिन पानी बहुत गहरा है और उसे हम शायद निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन उसका अंतिम दर्शन तो कर लें। एक एक व्यक्ति ने उस चट्टान के पास झांक कर देखा। नीचे एक भिक्षु मौजूद था। सबकी परछाई नीचे बनती उन्हें दिखाई पड़ी। तब इतना तय हो गया, इतने गहरे पानी में वह मर गया होगा। वह उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब वह यात्री फिर वापस लौटा। उसने पूछा, ये चिता किसके लिए जलाई हुई है? ये क्या कर रहे हो? उन 9 रोते हुए भिक्षुओं ने कहा, हमारा मित्र मर गया है, हमने उसकी लाश गहरे पानी में देखी है, उसे निकालना तो संभव नहीं है, फिर वह मर ही गया होगा, हम उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उस यात्री ने फिर से गिनती की और उनसे कहा, पागलो, एक अर्थ में तुम अपना ही दाह संस्कार कर रहे हो। तुमने जिसे देखा है पानी में वह तुम ही हो, लेकिन पानी में देख सके तुम और स्वयं में ना देख सके, प्रतिबिंब को पकड़ सके जल में, लेकिन खुद पर तुम्हारी दृष्टि नहीं गई। तुमने अपना ही दाह संस्कार कर लिया है, और 10 भिक्षुओं ने मिलकर उस 10वें को दफना दिया जो खोया ही नहीं था। उसकी इस बात के कहते ही उन्हें स्मरण आया कि 10वां तो मैं ही हूँ। हर भिक्षु को ख्याल आया कि वे 10वां आदमी तो मैं ही हूँ, और जिस सत्य की खोज वे पहाड़ों पर नहीं कर सकते थे, अपने ही गांव लौटकर खोज पूरी हुई। वे 10 के 10 भिक्षु जागृत होकर जानकर गांव वापस लौट गए थे। हमें उन भिक्षुओं पर हंसी आएगी, कैसे लोग हैं, लेकिन क्या हम भी उन भिक्षुओं जैसे नहीं? हम भी अपने आप को भूल नहीं चुके हैं? हमारी सारी दृष्टि बाहर की तरफ, अपने होने को भूल चुके हैं, जो कि इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उन 10 भिक्षुओं की कथा ही हम सबकी कथा है। एक को हम छोड़ जाते हैं, स्वयं को, और सब तरफ हमारी दृष्टि जाती है, शास्त्रों में, शब्दों में, शास्त्रों के वचनों में, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, प्रार्थना में, पूजा में खोजते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति भर इस खोज से वंचित रह जाता है, वह 10वां आदमी वंचित रह जाता है, जो कि हम स्वयं हैं, मैं ही हूँ। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है इस स्वयं को जानने से जो जीवन उपलब्ध होता है, उसका नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होना इस जगत में सबसे दुर्लभ बात है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो स्वयं को जानता हो। जो स्वयं को नहीं जानता वह परतंत्र है या स्वच्छंद हो सकता है,
लेकिन स्वतंत्र नहीं।